से अंदाजा लगा लें कि 7 तारीख को यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है और इसी 7 तारीख को आज हमारे साथी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं परसों पहुँच चुका था, बोल रहा है मतलब सिमर तैयारी से, अभी भी मेरे ख्याल में वो बारकोर में जो है मतलब कमांडर सदर कमांडर से इंजीनियर है और बहुत जल्दी मेरे ख्याल में 1 बजे 12:30 को जो है वो वजीरा हाउस या फिर सबसे ट्रेन में होंगे। और मैं इससे वो शम्मा को मशल को रिसीव करने में आज मैं आप सबके सामने हूँ और मैं जो मैं बहुत सारे जो इमेज बना हुआ है हमारे साथ बहुत इंतहाई काबिल कदर मौसी मोतमीन खवातीन भी हमारे साथ हैं NDU में, जो सीनेटर्स भी है, जो MPs भी है, सिविल सोसाइटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से भी है, तकरीबन 18 के करीब हमारी दुकान में खवातीन है। तो मैं परसों रात जब क्या बिहार आ रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान को क्या समझते हैं, आप हिंदुस्तान को ये समझते हैं कि वहाँ पर खवातीन पे कतल है, बहुत सारे रुकावटें खवातीन के लिए हैं, वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी नहीं है, अगर आप ये समझते हैं तो ठीक है। मैं वो चादर के तक शटल का जो तुरंत बॉडी को कवर करता है जिसमें से सिर्फ आंखें देख सकती है, तो मैंने कहा मैं जाके वो खरीदूंगा, जो ही आप एयरपोर्ट में पहुँचोगे आपको ये पहनाया जाएगा कि क्वेटा बेचते हैं, मगर इस तरह नहीं है। क्वेटा में जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह खवातीन के हवाले से दो क्या ज़्यादातर फेमिनिज्म पे मैं खुद यकीन नहीं रखता हूँ लेकिन जेंडर इक्वलिटी पर यकीन रखता हूँ कि खवातीन और मर्द बराबर, जब तक हम इनको बराबर नहीं समझते हैं आप पावर कर लें कि हम तरक्की नहीं कर सकते। आज आप देख रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ हमारी बेटियाँ तो बराबर के स्पोर्ट्स वगैरह में हर इवेंट्स में हर स्पोर्ट्स में इनकी शराकत दारी है। तो मैंने उनसे भी ये कहा कि इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान एक सरजमीन एक सरखेज ज़मीन एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाली सरजमीन है। आप पावर कर लें कि जितने भी लोग आए हमने बड़े बड़े उनको जो लेक्चर सुना उसमें सबक एम्बेसडर्स भी थे, उसमें सबक जनरल भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी हमने सुने, सब यही हर एक का लेक्चर ये था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जब बलूचिस्तान है तो हम बलूचिस्तानी क्यों कोई काम नहीं कर सकते। हमें दानिश के तौर पर एक सोचे समझे स्कीम के तहत हमें जो है मतलब हमें स्पोर्ट से दूर रखा गया, हमें मुस्बत एक्टिविटी से दूर रखा गया, हमारे बच्चों को ज़्यादातर कोशिश की गई कि उन्हें तासुबात में उलझे रखे, उनके बीच में तफरक आए, उनके बीच में नफरतें आए, ये मजबूत कोशिश होती रही पूरे बलोचिस्तान में। किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ढंग का कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई फुटबॉल क्लब नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मजबूत साजिश थी जो पाकिस्तान के अवाम के साथ रवा रखा गया था, जो बफ़ज़्ल खुदावंद इस हुकूमत के आने के बाद हमने ये मुसम्मम इरादा किया है, जिस तरह जाम साहब को भी जाम साहब की क़यादत में हम आज जो है मतलब इसी PSBP में सेम चीज़ के करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लेवल कर रखा हुआ है। अल्लाह ताला करे कि हमें हिम्मत दे दे और हमारी बजट हमें इजाज़त दे दे कि हम उसको पाए तकमील तक 4-5 सालों में पाए तकमील तक पहुँचाने में एक किरदार अदा करें। बलोचिस्तान बहुत सारी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही है, बहुत सारी साजिशें कि मैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद बहुत सारे लेक्चर्स प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद आप पावर कर लें कि चारों अतराफ से मजमून साजिशें यही है कि किसी न किसी सूरत में कहीं पर भी स्टेबिलिटी आप नहीं आए, जब स्टेबिलिटी आप नहीं आएगा, जब यहाँ पे अमन नहीं होगा, जब यहाँ पे भाईचारा नहीं होगा तो फिर हम और आप दूसरे एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, हम एक दूसरे को काटते रहेंगे, हम एक दूसरे को नफरत करते रहेंगे। इसलिए उन साजिशों का डट कर मुकाबला करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी यूथ को आगे आना चाहिए, जिसको इलेक्शन जीत लिया और कामन वेल्थ पार्लियामेंट के तहत सदर बना 3 साल के लिए शानदाना गुलजार जिसका तारुफ तहरीक इंसाफ से है। और इसी तरह स्पीकर साहब ने मुझे बताया कि वहाँ पे एक साजिश के तहत बलोचिस्तान को कोशिश कर रहे थे कि बलोचिस्तान अलाइदा है पाकिस्तान,
वहां पे बहुत सारे ऑल्टरनेशन हुआ था, लफाजी जंग पाकिस्तानियों के, उसमें जो है पाकिस्तानियों ने जहां भी जीता तो दूसरी सीटों साहब ने कहा कि मैं बलूचिस्तान से, मेरे सूबे से ताल्लुक है लेकिन मैं पाकिस्तान की डेलीगेशन को लीड कर रहा हूँ। आप किस तरह ये करते हैं, वहाँ पे मुर्दाबाद मुर्दाबाद भी हुआ तो हमारे लोगों ने उठ के वहाँ पे कहा कि इंडिया मुर्दाबाद। तो ये गोरे वहाँ पे देख रहे थे, गोरे सारे हैरान थे कि ये उर्दू में दूसरे को मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते थे, क्या मतलब है, लेकिन पाकिस्तानियों ने वहाँ पे जम के गेंद खेला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि साजिश हो रही है, कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान की एक सॉफ्ट इमेज को ख़राब करके आवाम के सामने पेश किया जाए या दुनिया में बात मनसी को प्रोपेगेंडा करके एक ऐसी सोशल मीडिया में कि बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गेम्स यूथ विश्व में यहाँ पे एक बड़ा इवेंट हुआ, 4,450 पूरे मुल्क से आए हुए थे, एक अच्छा इमेज चला गया। इसलिए इस तरह का इवेंट से चला होगा और बलूचिस्तान गेम्स पाकिस्तान नेशनल गेम्स से पहले इंशाल्लाह बलूचिस्तान गेम्स करा देंगे और ये पावर करा देंगे सारी दुनिया को कि जो इमेज दुनिया शो कर रही है वो इमेज भी है, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे भाईचारा है, यहाँ पे रवादारी है, यहाँ पे बर्दाश्त है, यहाँ पे खेल कूद हो रहा है, यहाँ पे सारे इवेंट्स हो रहे हैं, आज़ादाना लोग घूम फिर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये उस इमेज को जो हमारी सॉफ्ट इमेज है उसको खराब करने के लिए मजबूत कोशिशें होगी और इसके बाद भी होगी, लेकिन अपने और आपने मुकाबला करना है, अपने यूथ के को स्पोर्ट्स की तरफ राहत करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसके बाद भी इवेंट्स होते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि मैं वजीर अला उसमें सेंट्रल मुस्लिम सेंट्रल में जा रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी खुले के मेरे क्लास फेलो मैं उनको क्लास फेलो कर, हम सुबह जाते हैं 5 बजे तक मेरे सारे होते हैं, वहाँ पे बड़े बहुत बेहतरीन लेक्चर होते हैं, बड़ा बेहतरीन एक्सपोजर मिला है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब आपको इंट्रक्शन होती है, आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसमें नेशनल गेम्स को, जिस तरह नेशनल गेम्स का बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ पे स्कूल के प्लेयर्स जो आते हैं, क्रिकेट के जो प्लेयर्स आते हैं उनके बीच में इंट्रक्शन हो जाए, इंक्लूसिवनेस हो जाए, उनके बीच में जो है मतलब दुनिया फासले ख़त्म हो जाए, वो एक दूसरे के साथ कुल मिल जाए और एक दूसरे के साथ से निकल कर जो है आज हम कहते हैं हिंदुस्तान के प्लेयर से जहाँ पे भी नेशनल गेम्स में जाएगा जो भी जाएगा वो हजारा प्लेयर्स नहीं है, वो बलोच प्लेयर्स नहीं है, वो कश्मीर प्लेयर्स नहीं है, हिंदुस्तान के प्लेयर से। इसी तरह बैरूनी मुल्क के जब जाएंगे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स है, वो इस तरह के, इसलिए हम हिंदुस्तान की तरफ से जाएंगे। और मैंने जो सवीनियर अपने के लिए कहा था कल्चर डिपार्टमेंट को, वो सवीनियर भी मैं अपने कोशिश किए कि वो बलूचिस्तान की तरफ से जाए, उसमें कोई ये ना हो कि ये हजारे का हो रहा है, पाकिस्तानी जो हमें मिला है हम उसे प्रेजेंट करेंगे। और अपने कहा था थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।